राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1422 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है, जानकारी रविवार को दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में नए मामले आने के बाद संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 18,94,254 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 26,179 पे पहुंच गई है। वहीं राज्य में आज 1,438 लोग कोरोना से उभरे हैं, जिसके बाद महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 18,62,136 हो गई है। विभाग ने कहा है कि इस अवधि में दिल्ली में 26,647 नमूनों की कोरोना जांच की गई है, जिनमें से 18,761 आरटीपीसीआर और 7,886 एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी के साथ दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 5.34% हुआ है। फिलहाल राजधानी में कुल 5,939 एक्टिव मरीज हैं और होम आइसोलेशन में 4,340 मरीज और अस्पताल में 177 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कोविड अस्पतालों में आरक्षित 9,590 में से 9,404 बेड खाली हैं। कोविड केयर सेंटर के 825 और कोविड हेल्थ सेंटर के 144 बेड खाली हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 51,761 वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं, इनमें से 5,702 पहली डोज और 23,269 दूसरी डोज और 22,790 बूस्टर डोज शामिल हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।